पार्टीशन स्टार्ट। महोदय, कुछ दिन पूर्व मैं अपने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट वाले स्थल की यात्रा पर गई थी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने जो सफलता पाई है उसके लिए राष्ट्र अपना आदर व्यक्त करता है। वह समर्पित भावना, दक्षता और साथ मिलकर काम करने का उज्जवल उदाहरण था और यह काम बिना शोर शराबे के बड़ी खूबी के साथ पूरा किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग इसके निष्कर्षों की छानबीन कर रहा है और उसकी आरंभिक रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक समुदाय को देश की अपेक्षा और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। जो अनेक बधाई संदेश मिले हैं उनमें इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों को अगर एक निश्चित काम सौंपा जाए और उन्हें लगातार सरकार की सहायता मिलती रहे, खास तौर पर प्रबंध के बारे में लचीलापन बना रहे और फिर उन्हें तकनीकी समस्याओं को विश्वास के वातावरण में सुलझाने दिया जाए, तो भी क्या कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? यह सरकार के लिए एक सबक है। वैज्ञानिक समुदाय को भी अपनी उदासीनता त्याग देनी चाहिए और सरकारी प्रयास के साथ साथ उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो भी प्रयोग और प्रमुख प्रेरणा हो, वे भारतीय विज्ञान के इस बृहत्तर उद्देश्य से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते कि उन्हें पहले एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त और अंधविश्वास तथा संकीर्णता से मुक्त हो। हमारे आलोचक चाहे कुछ भी क्यों ना कहते रहें, हमें अपना मुख्य उद्देश्य और ध्येय हमेशा अपने सामने रखना चाहिए और वह है गरीबी हटाना, कृषि कार्य की पैदावार बढ़ाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को ज़्यादा असरदार बनाने, संचार साधनों का विकास करने, तात्कालिक मसलों के हल के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे देश में काफ़ी काम किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और अनुसंधान कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और लाभदायक प्रयोग की ओर बरबस खिंच जाता है। क्या हम अपने साधनों और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए उसकी महान संभावनाओं की अनदेखी कर सकते हैं? हम घटनाओं को एक खास ढंग से ही घटने के आदेश नहीं दे सकते, परंतु हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।